Hi everyone, welcome to Shinshya Brandy. So in today's video, we will discuss about Portulaca, yani ki purse lane cultivation, taxonomy, and other important facts related to purse lane or Portulaca. Ye video jo hai very important for the UG, PG, PhD exams ke liye, ADO, HDO exams ke liye, all the competitive exams related to agriculture or horticulture, ICR, JRF, SRF, NEET exams के लिए. तो discussion हम start करते हैं. Portulaca की जब हम बात करते हैं, तो इसके हम अगर history और origin में थोड़ा जाएं, तो ऐसा report किया जाता है कि जो Portulaca है, जिसको हम purse lane भी कहते हैं, तो इसको ऐसे common vegetable की तरह grow किया जाता था during Roman Empire के time में. Common purse lane या Portulaca जिसको हम कहते हैं, botanically that is your Portulaca oleracea. जो कि एक हाईली पॉलीमॉर्फिक वेरिएबल बीडी प्लांट है. कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? पर्सलेन फैमिली, यानी कि पोर्चुलेकेसी फैमिली को बिलोंग करता है, विच हैज ए वाइड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, तो इट इज अज्यूम्ड दैट कि पोर्चुलेका जो है दैट इज नेटिव टू नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजंस को, और उसके बाद इट रीच्ड नॉर्थ अमेरिका बाय प्री कोलंबियन टाइम्स में एंड यूरोप में बाय द लेट 16th सेंचुरी. इट कैन बी फाउंड इन द यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया. तो पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि Portulaca जो है इट हैज ए वाइड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन की बात करें, तो Portulaca oleracea दैट इज अ कॉमन Portulaca जो है जिसको हम कॉमन और ग्रीन पर्सलेन भी कहते हैं. एक स्पीसीज है Portulaca stiva जिसको हम गोल्डन पर्सलेन कहते हैं. कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? Portulaceae फैमिली को बिलोंग करता है. क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n is equal to 54 होते हैं. तो एक्चुअली दिस इज ए पॉलीप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है. एडिबल पार्ट क्या होता है Portulaca में? इसके जो लीव्स एंड यंग शूट्स जो होते हैं दे आर एडिबल पार्ट होते हैं. एंड इट इज सजेस्टेड दैट कि जो Portulaca होता है, Portulaca जो स्पीसीज है एक्चुअली, तो दे हैव द बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो डेट रेंज फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 और 9, 4 होते हैं या 9 होते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन जो हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर है इसमें डेट इज योर 9, बट इट रेंजेस फ्रॉम, जो हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं डेट रेंजेस फ्रॉम n इज इक्वल टू 4. हैप्लोइड क्रोमोसोम नंबर 4 होते हैं कौन सी स्पीसीज में? ये आपका Portulaca सरफ्रेक्टेंस की स्पीसीज में, राइट. एंड n इज इक्वल टू 4 टू वेरी कहते हैं n इज इक्वल टू 27 तक इन सर्टेन पॉलीप्लॉइड स्पीसीज ऑफ Portulaca oleracea, राइट. तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 4 होते हैं Portulaca सरफ्रेक्टेंस सेंस में, और उसके बाद 27 तक वेरी करते हैं तो दूसरी पॉलीप्लॉइड स्पीसीज होती हैं Portulaca oleracea की, राइट. नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें अगर हम Portulaca जीनिस में, तो काइंड ऑफ ऑब्स्क्यूर है, बट ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि मोर देन 100 स्पीसीज पाई जाती हैं इन द जीनस Portulaca में. जो स्पीसीज ऑफ Portulaca होती हैं दे इंक्लूड एनुअल स्पीसीज भी हैं, हर्बेशियस पेरेनियल स्पीसीज भी आती हैं, यूजली विद हेयर्स होती है. और उनमें अगर हम इसके टैक्सोन की बात करें, तो Portulaca जो दैट इज द ओनली टैक्सोन है इस मेंबर में जिसमें कि C4 फोटोसिंथेसिस शो करता है. ऑल्दो C3 टू C4 इंटरमीडिएसी भी पाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल इन Portulaca क्रिप्टोपेटेला है, राइट, जो कि एक साउथ अमेरिकन स्पीसीज है. तो Portulaca की जो मोस्टली स्पीसीज हैं वो तो C4 फोटोसिंथेसिस शो करती हैं, बट C3 और C4 के बीच की इंटरमीडिएसी भी पाई जाती है कुछ स्पीसीज में, राइट. जैसे कि आपका क्रिप्टोपेटेला है जो कि साउथ अमेरिकन स्पीसीज है. किंगडम की बात करें तो नेचुरली आता है प्लांटे किंगडम को बिलोंग करता है, राइट. सुपर डिविजन स्पर्मेटोफाइटा फ्लावरिंग प्लांट्स में आता है, मैग्नोलियोफाइटा आपका डिवीजन आ जाता है, क्लास मैग्नोलियोसीडा में आ जाता है, राइट. सब क्लास आ जाती है आपकी कैरियोफाइलिडाई, ऑर्डर कैरियोफाइलेस, फैमिली Portulaceae एंड जीनस Portulaca एंड स्पीसीज इज योर Portulaca oleracea. ओके, इंडिया में मेनली कौन कौन सी स्पीसी पाई जाती है? तो जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है Portulaca की जो कि एज ए वेजिटेबल कंज्यूम की जाती है ग्लोबली, तो डेट इज द Portulaca oleracea ही है जो कॉमनली है. बट अदर स्पीसीज है जो कि पाई जाती हैं, डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं इंडिया में, लाइक योर Portulaca pilosa है, क्वाड्रीफिडा है आपका, राइट. देन Portulaca ग्रैंडी फ्लोरा है आपका, ट्यूबरोसा है, राइट, विडामिका है, ओके.
एंड पोर्चुलेका लाल जी यही है। इस तरह से डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं इंडिया में भी। देन पोर्चुलेका जो है, इसकी अगर सीड की बात करें तो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस होते हैं पोर्चुलेका में। सीड प्रोड्यूसेस मेनी सीड्स विद हाई डोरमेंसी, राइट, मेनी सीड्स विद हाई डोरमेंसी। और मोस्ट ऑफ द स्पीसीज होती हैं पोर्चुलेका की, जैसे कि आपका पोर्चुलेका ओलिरेशिया हो गया, ग्रैंडी फ्लोरा हो गया, एमिलिस हो गया, राइट, मोलोकाइनेंसिस हो गया, पिलोसा हो गया एंड अम्ब्रेटिकोला हो गया। तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज जो होती है पोर्चुलेका की, दे शो C4 फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म शो करती है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द स्पीसीज एक्सेप्ट ए फ्यू, एक्सेप्ट पोर्चुलेका क्रिप्टोपेटेला, दे शो क्रैंच एनाटोमी। तो क्रैंच एनाटोमी भी शो करते हैं, बट जो पोर्चुलेका क्रिप्टोपेटेला है ये क्रैंच एनाटोमी नहीं शो करती है, एक्सेप्ट दिस। बाकी जो स्पीसीज है मोस्टली दे शो क्रैंच एनाटोमी। ओके, हाउएवर जो कुछ स्पीसीज है उनमें कैम पाथवे, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे इन द C4 पोर्चुलेका स्पीसीज में ऑपरेट होता है कुछ स्पीसीज में। कब? ड्यूरिंग द ड्राउट कंडीशंस में, जब वाटर अवेलेबिलिटी जो होती है वो कम होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो क्या होता है कि C4 स्पीसीज में इनमें कैम पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, बट ओनली ड्यूरिंग द ड्राउट कंडीशंस में, यानी कि मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशंस में। न्यूट्रिटी वैल्यू की अगर हम बात करें पोर्चुलेका की, तो पोर्चुलेका जो है वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड का, राइट। तो दिस इज द, हम कह सकते हैं, रिचेस्ट ग्रीन प्लांट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, पोर्चुलेका जो है। और इसका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। एक्चुअली जो फिश ऑयल का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, बट जो पोर्चुलेका है इसका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है डेट इज लो, राइट, और ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम होता है, इसलिए इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट हैं वो ज्यादा है। मोर ओवर द एबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स टू डिक्रीज द थिकनेस ऑफ ब्लड दैट मे बी एडवांटेजियस इन द ट्रीटमेंट ऑफ वैस्कुलर डिजीजेस के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि फिश ऑयल्स में क्या है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, कैलोरी कंटेंट ज्यादा होता है, बट जो हमारा पर्सलेन है उसका जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है तो उस दैट इज लो इन कोलेस्ट्रॉल, राइट। इसमें क्योंकि कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है एक तरह से, या बहुत कम होता है, तो दैट इज मोर एडवांटेजियस। देन इसके जो लीव्स होते हैं दे कंटेन हायर कंटेंट ऑफ अल्फा लिनोलिक एसिड। तो कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड? एक्चुअली अल्फा लिनोलिक एसिड जो मेनली पाया जाता है इसके लीव्स में, राइट। देन इसके बाद अल्फा टोकोफेरोल यानी कि विटामिन ई भी पाया जाता है, अस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है एंड ग्लूटाथियोन भी पाया जाता है, एंड विच इज मोर देन योर स्पिनच लीव्स। हाई कंटेंट ऑफ विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे कि राइबोफ्लेविन, नियासिन, पाइरिडॉक्सिन भी पाए जाते हैं। और डाइट्री मिनरल्स की बात करें तो गुड सोर्स है पोटेशियम का, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एटसेट्रा। बट जब हम लाइव स्टॉक को फीड करते हैं लार्ज अमाउंट में पोर्चुलेका के लीव्स को, तो दे में डेवलप नाइट्रेट एंड ऑक्सालेट पॉइजनिंग। ओके, क्योंकि पोर्चुलेका में कौन से एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं? नाइट्रेट एंड ऑक्सालेट, तो दीज आर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर इन पोर्चुलेका। ओके, इनको हम कह सकते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन पोर्चुलेका आर ऑक्सालेट एंड नाइट्रेट्स, राइट। ओके, सोइल कंडीशन की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ सोइल्स में ये ग्रो हो सकता है, स्पेशली अगर हम बात करें लोमी एंड हैवी लॉन्ग सोइल्स दे आर गुड, एंड द सोइल जो होती है दैट शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, शुड बी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। और पोर्चुलेका जो है सैलिनिटी टॉलरेंट वेजिटेबल भी है, राइट। नाइट्रेट क्या करता है? नाइट्रेट प्रमोट्स जर्मिनेशन ऑफ द पोर्चुलेका सीड्स इन द डार्क, डार्क कंडीशन जब होती है तो डार्क में जो नाइट्रेट होता है दैट हेल्प इन जर्मिनेशन में। और जर्मिनेशन इज नॉट अफेक्टेड अक्रॉस ए वाइड पीएच रेंज ऑफ 5 to 9। तो देखते हैं 5 to 9 भी, 9 तक भी हम ग्रो कर सकते हैं, तो हाईली सोल्ट टॉलरेंट वेजिटेबल, राइट। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो हेलोफिटिक, हम कह सकते हैं हेलोफाइटिक C4 प्लांट है, हाईली ससेप्टिबल टू फ्रॉस्ट है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन जो हैं इसके लिए वेरी गुड है, एंड हाई टेम्परेचर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस डे नाइट टेम्परेचर दैट इज मोस्ट आइडियल फॉर योर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ पोर्चुलेका सीड्स। इट इज अडेप्टेड टू बोथ ड्राई एंड सलाइन कंडीशन के लिए सुटेबल है। पोर्चुलेका की जो स्टेम्स होती हैं, लीव्स एंड फ्लावर बड्स, दे हैव ए स्लाइटली टार्ट सोर या सॉल्टी टेस्ट होता है,
एक्चुअली वो मेनली ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होता है, राइट। एंड इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेवर जो होती है, जो फ्लेवर है दैट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट। जैसे कि हॉट ड्राई कंडीशंस में पर्सलिन क्या होता है, जैसे कि हमने पहले कहा कि इसका जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है वो स्विच कर जाता है इस कैम पाथवे में, राइट, टू कंजर्व द मोर मॉइस्चर, ताकि इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सके। देन प्लांटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया में लास्ट वीक ऑफ फेब से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक हम प्लांटिंग करते हैं, सदर्न इंडिया में जैन टू फेब में थोड़ा अर्ली प्लांटिंग करते हैं। और सीड्स जो होते हैं पौधे के बहुत ही छोटे सीड्स होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि दे आर मिक्स्ड विद सैंड ताकि हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। सीड रेट की बात करें तो अबाउट 1 to 1.5 kg ऑफ सीड रेट इज रिक्वायर्ड फॉर पर हेक्टेयर। मैन्योरिंग की बात करें तो अबाउट 10 to 12 टन यानी कि 100 to 120 क्विंटल ऑफ एफबीएम चाहिए होता है हमें पर हेक्टेयर। अगर नाइट्रोजन एप्लीकेशन हम ज्यादा दे रहे हैं तो वो क्या करता है, दैट स्टिमुलेट नाइट्रेट कंटेंट इन द लीव्स। इरिगेशन की बात करें तो सोइंग के बाद एक लाइट इरिगेशन देना हमें बेनिफिशियल होता है, उसके बाद जब इसको रिक्वायर्ड होता है अकॉर्डिंगली, राइट। देन हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग कब करते हैं, जब प्लांट्स जो होते हैं दे अटेन ए हाइट ऑफ 12 to 15 cm। उसके बाद एक फर्स्ट हार्वेस्टिंग ले ली, मतलब कि जब वो 12 to 15 cm हाइट के हो जाते हैं, उसके बाद हम लगभग 2 to 3 कटिंग्स ले सकते हैं लगभग फोर्टनाइटली इंटरवल पे। यील्ड की बात करें तो अबाउट 15 to 20 टन ऑफ यील्ड हमें मिल सकती है 1 हेक्टेयर से, मीन्स की 150 to 200 क्विंटल पर हेक्टेयर में यील्ड मिल सकता है जो ग्रीन लीव्स यील्ड होता है। स्टोरेज की बात करें तो पोर्चुलेका को हम स्टोर कर सकते हैं एट 0 to 1 degree Celsius टेम्परेचर पे 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे फॉर अबाउट 3 to 5 days के लिए। मेजर पेस्ट की बात करें तो कुछ कुछ पेस्ट रिपोर्ट किए गए हैं पोर्चुलेका में, जैसे कि कुछ पार्ट्स में आते हैं, जैसे कि पर्सलेन साफ लाई आती है, राइट, पर्सलेन साफ लाई सॉफ लाई आती है, राइट। दूसरा एक आता है आपका लीफ माइनर बी विल भी आता है इसमें पोर्चुलेका में, जो कि मेनली इसको हैम्पर करते हैं इसकी ग्रोथ एंड प्रोडक्शन को पोर्चुलेका की। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड बी सिंसियर ब्रेंडिंग। जय हिंद।